मैं खड़ा हूँ अपने मारुति ओमनी ई के सामने, रोड साइड के बगल में खड़ी है ये गाड़ी। झपाक से मैं अंदर जाता हूँ और आपको बताता हूँ एक खास चीज। सो ये दरवाजा मैंने खोल दिया और मैं जाता हूँ पहले अंदर, और व्लॉग को टिल एंड तक देखिए बिना स्किप किए, और ये मजा होने वाला है आज यार, जबरदस्ती चीज होने वाली है आज। जो मैं आज चीज दिखाने वाला हूँ ना आपको इस व्लॉग में, वो भाई सबसे खतरनाक बनने वाली है। पहले ये देखो स्टेयरिंग व्हील, ये अपना इंटीरियर देख के पहचान गए होंगे कि ये भाई मारुति ओमनी ई है। हाईवे फिलहाल है, पूरा रोड खाली पड़ा है, और ऐसी चीज़ मैं रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं करता जो आप अगर व्लॉग में देखते हो और अगर हूबहू मतलब उसकी कॉपी कर लो, ऐसे भाई मत करो। क्योंकि ये जो व्लॉग में दिखाने वाला हूँ ना, सबसे खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ, ज़्यादातर के ऐसे जो रोड होते हैं वो हाईवे रोड होते हैं, वन वे है, तो ज़्यादा करके रूरल साइड के जो है वो रोड है। ज़्यादातर के यहाँ पे व्हीकल जो आती है वो एक दो मिनट में एक आती है, या फिर पाँच पाँच मिनट में एक हाथ आती है, लेकिन कंटिन्यूसली व्हीकल नहीं आ पाती। तो इसलिए मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। यह है फिलहाल मारुति ओमनी, और मारुति ओमनी के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और यह पीछे पूरी गाड़ी खाली है, और ऐसी चीज़ ना गाड़ी खाली करके ही करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं इस वक्त जो करने वाला हूँ ना वो सबसे खास चीज़ करने वाला हूँ। फिलहाल मैं गाड़ी को एक मिनट फोकस तो कर रहा हूँ, एक फिलहाल तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो इंडिकेटर चालू है, लेफ्ट हैंड साइड में खड़े है क्योंकि पार्किंग लाइट बंद है। और मैं आज जो चीज़ ब्लॉग करने वाला हूँ ना वो सबसे खतरनाक है। आज होगी मारुति ओमनी की स्पीड टेस्ट 0 to 100। 0 to 100 यानी कि 0 to 100 कितने सेकंड में कोई भी गाड़ियाँ जाती है, उतने सेकंड में अपनी मारुति ओमनी कितने तक अपने को मतलब खुद को खींच सकती है, वो इस व्लॉग में दिखाऊंगा। हेलो भाई, मैं ओमकार। व्लॉग को टिल एंड तक देखे, काफी एक्साइटिंग ये व्लॉग होने वाला है, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मारुति ओमनी को। ये मैंने स्टार्ट की, न्यूट्रल है, ब्रेक लगाया हुआ था, फर्स्ट डाला, और सबसे पहले स्पीड टेस्ट करते हैं 0 to 100 कितने तक खींच सकती है अपनी मारुति ओमनी। पहले ये बंद पड़ी क्योंकि ये गैस में कन्वर्ट हुई, ठंडा होने के बाद गैस में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टार्ट नहीं होती है, और ये मैं रिकमेंड आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करता। ऐसे इसको बिना जाने पहचाने मतलब जो है वो RTO के रूल फॉलो करें। और ये ऐसी चीज़ें मैं क्यों दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो रोड है वो खाली पड़ा है, आप ऐसी चीज़ क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोड होते हैं वो खाली नहीं पड़े हुए होते, तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत सबसे खतरनाक चीज़ है। ऐसे भाई मैंने पूरा ये इन्वेस्टिगेशन रोड का कर लिया था, तो पूरा रोड खाली पड़ा है, इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो पर्सनली मैं यहाँ पे फर्स्ट एंगेज कर लेता हूँ, और कैसे आप खींच सकते हो गाड़ी को 0 to 100 वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉन्च करता हूँ व्हीकल। RPM मीटर तो ओडोमीटर तो है खैर, लेकिन स्पीडोमीटर है खैर, लेकिन ओडोमीटर तो नहीं है। एक्सलेट करता हूँ 0 to 100। 0 to 100 करने के लिए गाड़ी रेव करनी पड़ती है, गाड़ी अपनी बताता हूँ 0 to 100 गैस पे चलने वाली है, पेट्रोल पे नहीं चलने वाली, क्योंकि भाई पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक सीन है कि मैं फर्स्ट डालता हूँ और 3, 2, 1 बोलने के बाद मैं लॉन्च करूंगा। 3, 2, 1 लॉन्च। ओ भाई साहब, पहले जो खतरनाक जो फील आता है ना वो मजा ही आता है। अभी देखते हैं कितने तक खींच पाती है। अभी देखो फोकस किया मैंने, थर्ड। ओ हो भाई साहब, बहुत टाइम गैस पे तो बहुत टाइम लगाती है। अभी देखो यहाँ पे फिलहाल मैं चल रहा हूँ इस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा हूँ, थर्ड पे है। मेरे ख्याल से 2500 RPM तो होगा, पीछे तो इस वक्त कोई नहीं है, गाड़ी तो आ रही है, खैर बाद में देख लेंगे। यहाँ पे इस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर। ओए भाई साहब, 60 के ऊपर जाने में मतलब 100 तक खींचने में बहुत टाइम लगेगा। रोड पे कैटल्स आती है और प्रॉब्लम बन जाता है, एक गाड़ी फिर से स्लो हो गई, फिर से मेरे को खींचनी होगी 2000 RPM के ऊपर। RPM नहीं है तो ऐसे गेस वर्क करके मान लेता हूँ। यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और हम टॉप तक जाएंगे, देखते हैं कितने तक खींच पाते हैं। रोड पूरे खाली पड़े हैं, ऐसी चीज आप बिल्कुल ट्राई ना करें, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, और व्लॉग देखे एंजॉय करें। अभी देखो 80 किलोमीटर पर आवर, और 80 किलोमीटर पर आवर के बाद में अगर ऐसी आप गाड़ी चलाते हो तो मेरा पर्सनली हॉनेस्टली ओपिनियन है कि ऐसी चीजें ऐसे खड़ी गाड़ी को बॉक्सीज गाड़ी को बिल्कुल ना ट्राई करें, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मतलब अनसेटल हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। मेरा हाथ बैठा हुआ है इस गाड़ी पे, तो इसलिए मुझे पता है क्या कौन सी चीज करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो 90 तक खींच रही है, लेकिन 90 के बाद भाई बहुत लैग हो रहा है, वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों गाड़ी में कोई खराबी है या कुछ पता नहीं, लेकिन 90 के बाद ऐसे कांप रही है गाड़ी, और बिल्कुल ये भाई प्ले बहुत है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं है, नॉर्मल सा फुद्दू सा जो 800 में स्टीयरिंग होता है ना वही दे रखा है, सिमिलर अल्टो 800 का इंजन है, मारुति 800 का, भाई 90 तक खींच पाती है। अभी देखो ये गाड़ी आ गई, मेरे को स्लो करना पड़ा,
इसको पहले ओवरटेक मारता हूँ और देखता हूँ, फिर से खींचता हूँ, 90 तक जाती है उसके ऊपर नहीं जाती, क्या पता नहीं क्या चल रहा है। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये था कि 90 के बाद ऐसी बॉक्सिस गाड़ियां, बोलेरो ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, मारुति ओमनी ले लो, कोई भी एसयूवी ले लो, प्रीमियम सेगमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई भी ऐसे सेगमेंट की बात हो रही है जो ऐसे कम दाम में आते हैं, ऐसे गाड़ी को खींचने की ट्राई, एको मारुति ले लो, मारुति एको को भी ऐसे खींचने की ट्राई मत करो, क्योंकि गाड़ी कभी भी अनसेटल हो सकती है। 90 के बाद भाई, अभी देखो 90 के ऊपर 91 में चली गई थी भाई, बहुत कांपती है गाड़ी, बहुत वाइब्रेशन हो रही है। उतार मिलने पर ना एक दूसरा राउंड लेते हैं। अभी देखो 40 पे है, मैं एकदम से एक्सलेट करता हूँ, एकदम से एक्सलेट करने के बाद उसमें जान आती है, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन है, क्या जान आएगी। 60 किलोमीटर पर आवर के बाद भाई साहब थोड़ी सी अनसेटल होने लगती है, और 80 किलोमीटर पर आवर के बाद ना भाई गाड़ी मतलब आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये मारुति ओमनी है, मारुति ओमनी बनी ही ट्रांसपोर्टेशन या फिर कुछ वजन वगैरह लेके जाने के लिए, ज़्यादा करके चीज़ें ऐसे मतलब कुछ स्टोरेज वगैरह करते हो, चीज़ें लेके जाते हो इधर से उधर, उसके लिए बनी है, ऐसे लोगों के मतलब स्पीड टेस्ट रोड के लिए नहीं बनी। फिर भी यार एक चलो ट्राई मारते हैं, ऐसा सोचा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, डेस्टिनेशन तो आ गया, मैंने स्पीड कम कर लिया, थैंक यू सो मच।